नमस्कार, उद्देश्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 एनसीईआरटी बुक का 8 पाठ त्रिकोणमिति का परिचय का पहले प्रश्नावली 8.1 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहले त्रिकोणमिति के इस पाठ को पढ़ने के लिए पहले थोड़ा सा इसके बारे में, इस पाठ के बारे में सीख लिया जाए। देखिए, इसके अंतर्गत सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज ये रहा, देखिए ये है समकोण त्रिभुज। यहां लिख लेते हैं समकोण त्रिभुज ये रहा, ठीक ना। तो समकोण त्रिभुज किसे बोलते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, मतलब 90 डिग्री के बराबर हो। तो देखिए ये 90 डिग्री के बराबर हुआ, ठीक ना। अब इसका नामकरण कहीं से भी कर सकते हैं, ए बी सी या ए बी सी, कहीं से भी नामकरण कर सकते हैं। अब देखिए ये 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, ठीक ना। इसको कर्ण हो गया, ये हो गया, ठीक ना। और इन दो भुजाओं में से आप चाहे किसी को अभी किसी को भी आधार और लंब कह सकते हैं। तो हम इसको आधार लिख लेते हैं और इसको लंब लिख लेते हैं, ठीक ना। तो इस प्रकार ये समकोण त्रिभुज हो गया, ठीक ना, जिसमें 90 डिग्री के सामने वाले को कर्ण, इसको आधार और इसको लंब कहे हमने। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किया जाता है इसमें। तो पाइथा, ये देखिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक ना। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय, ठीक ना। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में, ठीक ना, कर्ण का वर्ग, तो देखिए कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के, ये जो ये भुजा और ये भुजा मिली, तो अन्य दो भुजाओं के वर्गों का, तो इसका वर्ग कर लेते हैं। देखिए तो लंब का वर्ग और आधार का वर्ग, है ना, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, ठीक ना। तो दोनों का वर्ग किया और योगफल के बराबर लिखा। तो देखिए कर्ण क्या है? AC लिखा हुआ है, तो AC लिख लेते हैं। लंब कितना है? AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक ना। तो ये हो गया पाइथागोरस प्रमेय। अब प्रश्नावली मगर इस पाठ के अंतर्गत आपको इसमें कोई दो भुजा ज्ञात करना हो, दो भुजा दिया होगा और इसमें से कोई एक भुजा ज्ञात करनी होगी। जैसे अगर ये दोनों दिया हो तो ये भुजा ज्ञात करना होगा, फिर आगे उसके आगे क्वेश्चन को हल करना होगा। या तो अगर ये दोनों दिया है तो ये ज्ञात करना होगा, ठीक ना। और इसको ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय की मदद से ज्ञात करेंगे। अब देखिए इसमें कुछ अनुपात हैं, त्रिकोणमिति अनुपात देखते हैं इसमें। देखिए त्रिकोण मिति अनुपात, ठीक ना। तो इसमें सबसे पहले साइन, ठीक ना, साइन लिख लेते हैं। तो साइन इसमें यक्स लिखिए, चाहे ए लिखिए या बी लिखिए, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो हम देखिए यहाँ पर साइन ए का लिख लेते हैं, ठीक ना। तो देखिए इसको यहाँ ए और यहाँ सी डाल लेते हैं, ठीक ना। तो ए बी सी कहीं से डालिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए साइन ए बराबर, तो साइन ए का बराबर क्या, इसका त्रिकोणमिति होता है अनुपात लंब बटे कर्ण होता है, ठीक ना। तो इसका होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक ना। इसी को पी बाई एच बोलते हैं, ठीक ना, लंब बटे कर्ण। इसी प्रकार कॉस ए को बोलते हैं आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार को बोलते हैं बेस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस, ठीक ना। इसमें से इसको कर्ण है तो इसको कर्ण हाइपोटेनियस इसको बोलते हैं, और इसको आधार को बेस बोलते हैं, और इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं,
ठीक ना। तो ये हो गया, अब इसमें टेन को देखते हैं, तो टेन ए बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार हो गया। तो लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ठीक ना। थोड़ा सा इंग्लिश में भी थोड़ा शब्दावली याद रहेगा तो अच्छा रहेगा। और आधार को बेस बोलते हैं, तो इसको बी बाई एच लिखते हैं, इसको पी बाई बी बोलते हैं। और इसमें देखिए, इसमें लंब क्या है, बी सी, तो यहाँ हम लिखेंगे बी सी बटे ए सी। इसी प्रकार आधार ए बी लिखा है तो इसमें लिखेंगे ए सी लिख लिए, ठीक ना, कर्ण ए सी। और ये कितना है, बी सी बटे और आधार ए बी, ठीक ना। तो ये तीन अनुपात हो गए। अब इनका देखिए साइन कॉस टेन लिख लिया, अब देखिए इसके अलावा इनका विक्रम भी होता है, तो साइन का देखिए कॉसेक होता है, ठीक ना, साइन का कॉसेक होता है। जैसे यहां लिख दें हम, देखिए ये होता है साइन ए बराबर एक बटे कॉसेक, ठीक ना, विक्रम होता है। इसी प्रकार कॉस ए बराबर एक बटे सेक ए, और टेन ए बराबर एक बटे कॉट ए, ठीक ना। तो इसी प्रकार साइन है, तो कौसे का क्या लिखेंगे, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब, ठीक ना, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये हो जाएगा ए सी बटे बी सी हो जाएगा। तो यहाँ इसको लिखते हैं कौसे का कर्ण बटे लंब, तो कर्ण कितना है ए सी, तो ए सी बटे बी सी हो गया, ठीक ना, ए सी बटे बी सी हो गया। फिर कौसेक, कौस है तो देखिए सेक होता है इसका, तो लिखते हैं यहाँ यस ई सी ए, है ना। तो कौस क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, तो ये जाएगा कर्ण बटे आधार हो गया। तो कर्ण कितना है, देखिए इसमें कर्ण ए सी है, तो ए सी बटे और आधार कितना इसमें लिखे हैं ए बी, तो यहाँ लिखते हैं ए बी, ठीक ना, उल्टा हो गया एक तरह से। और टेन का कितना होता है कॉट ए, इसका व्युत्क्रम होता है, तो ये जाएगा आधार बटे लंब, तो आधार कितना ए बी और लंब कितना है बी सी, ठीक ना, तो ए बी बटे बी सी। तो इस प्रकार ये छह त्रिकोणमिति अनुपात प्राप्त हो गए। अब देखिए ये तो हो गया, अनुपात सब लिख लिया, अगर इसको याद करने में थोड़ी समस्या हो तो हम आपको इसका थोड़ा शॉर्टकट भी बता देते हैं। देखिए यहाँ लिख देते हैं, देखिए यहाँ लिखते हैं, ये हो गया बॉक्स बन गया। अब सबसे पहले देखिए ये लिखते हैं एल ए एल, ठीक ना, लाल हो गया बटे कक्का, लाल बटे कक्का हो गया, एल ए एल लाल बटे, बटे में हो गया कक्का डबल के ए, ठीक ना, लाल बटे कक्का हो गया। इस हिसाब से अब देखिए इसको यहाँ हम साइन लिख दें तो कॉस लिख दें और टेन लिख दें, ठीक ना, लाल बटे कक्का। साइन को देखिए ये है एल से लंब, के से कण हो गया, कॉस का हो गया आधार बटे कण, ए से आधार, के से कण, टेन का हो गया लंब बटे आधार, ठीक ना। देखिए पहला है लंब बटे कण, तो ये हो गया लंब बटे कण, ये हो गया आधार बटे कण, तो आधार बटे कण, और लंब बटे, ये लंब बटे आधार हो गया, तो लंब बटे आधार हो गया। और देखिए सीधा सीधा लाल बटे कक्का हो गया साइन कॉस टेन, ठीक ना। और अगर इसके नीचे लिखना हो तो इसका व्युत्क्रम हो जाता है, तो साइन का यहाँ कॉसेक लिख सकते हैं, यहाँ सेक लिख सकते हैं, और यहाँ कॉट लिख सकते हैं। तो देखिए अगर आपको साइन याद है तो कॉसेक याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक ना, इसलिए इसको जरूरत नहीं है लिखने का। फिर भी देखिए कॉसेक होगा कर्ण बटे लंब, तो ये हो गया कर्ण बटे लंब, और सेक का ऊपर से नीचे जाए, नीचे से ऊपर जाते हैं, तो ये हो गया कर्ण बटे आधार, आधार बटे लंब। इस प्रकार ये छह त्रिकोणमितीय अनुपात इसकी मदद से आप कर सकते हैं। तो ये देखिए ये तो हो गया हिंदी मीडियम का।
ठीक ना, ये इसको हिंदी मीडियम में इसको इस प्रकार याद किया जाता है, ठीक ना। इसको हम इंग्लिश मीडियम का ये बता देते हैं, ये हो गया बॉक्स बन गया, ठीक ना। तो देखिए इसमें क्या होता है, ये हिंदी मीडियम और ये इंग्लिश मीडियम का देखिए, ये होते देखिए यहाँ बोलते हैं पंडित बद्री प्रसाद, ठीक ना, हर हर बोले, ठीक ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इसके बाद सोना चांदी तोले, ठीक ना, सोना का SIN COS और टेन हो गया, ठीक ना। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, मतलब साइन कॉस टेन हो गया। अब देखिए इसका मिलाएंगे तो साइन को होगा P by H, देखिए P by H हो गया, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस का हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनियस एंड टेन P by B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये हो गया साइन कॉस टेन। आप चाहें तो आप इसके नीचे रेसिप्रोकल इसका लिख सकते हैं, कॉसेक सेन सेक एंड कॉट, ठीक ना। तो ये अगर आप इसको इस तरह से याद करिए, हिंदी मीडियम में ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, इंग्लिश मीडियम में परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेनियस चलता है, तो इसमें आप इस हिसाब से इसको याद कर सकते हैं, ठीक ना। तो ये हो गया याद करने का। अब इसमें देखिए कुछ सूत्र है, थोड़ा सा यूज में पड़ता है, उसको देख लेते हैं। देखिए टेन लिखा है, टेन ए बराबर ये होता है साइन ए बटे कॉस ए होता है, ठीक ना, इसका प्रयोग आएगा अभी। फिर कॉट ए बराबर, तो देखिए टेन होता है साइन बटे कॉस, तो कॉट हो जाएगा कॉस बटे साइन होता है, ठीक ना, इसका उल्टा कर दिया, ठीक। अब देखिए एक कुछ फॉर्मूला ये है, जैसे अगर इन दोनों का देखिए साइन ए बराबर एक बटे कॉसेक है, तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं साइन ए गुणे कॉसेक ए बराबर एक लिख सकते हैं, ठीक ना, इसका उड़ा इसमें कर दिया बराबर एक आ गया। फिर कॉस ए गुणे सेक ए बराबर एक हो गया, ठीक ना, मतलब कॉस का इसके व्युत्क्रम के संग गुणा करेंगे तो एक आंसर आता है। फिर टेन ए गुणे कॉट ए बराबर एक प्राप्त हो गया, ठीक ना। तो इस प्रकार ये कुछ फॉर्मूले थे, तो इसको लगा लिए। अब देखें प्रश्नावली 8.1 शुरू करते हैं। प्रश्नावली 8.1 का पहला क्वेश्चन लिखते हैं, तो देखिए लिखा है त्रिभुज ए बी सी में जिसका बी कोण समकोण है ना, और ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं इसको लिखते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर एक में क्या ज्ञात करना है, तो पहले जो दिया है उसको देख लेते हैं। लिखा है देखिए एक समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज बना रहे हैं, ये समकोण, ठीक ना। इसमें बोला है बी समकोण पर है, तो ये देखिए ये 90 डिग्री है, तो इसको समकोण पर लिखेंगे, ठीक ना। फिर ए बी और बी सी का मान दिया हुआ है, तो इसको लिखते हैं हम यहाँ पर ए बी और सी। तो ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, ठीक ना। तो सबसे पहले हम इस समकोण त्रिभुज में, तो समकोण त्रिभुज के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो देखिए ये रहा समकोण त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री होता है, ठीक ना। तो जो कोण 90 डिग्री होता है उसके सामने वाले भुजा को कर्ण बोलते हैं, ठीक ना। तो इस 90 डिग्री के सामने वाली भुजा तो ये कर्ण होती है। अब देखिए एक होता है आधार और एक भुजा होती है लंब, ठीक ना, ये लंब हो गई। तो इस प्रकार एक समकोण त्रिभुज में कर्ण आधार और लंब होता है। तो इसमें सबसे पहले देखिए लंब और आधार का माप दिया हुआ है,
तो कर्ण ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो लिखते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से ठीक है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो इसको हम लिख लेते हैं। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस PC का स्क्वायर, ठीक ना। तो कर्ण AC का मान ज्ञात कर लेंगे, AB कितना दिया है 24 का वर्ग प्लस BC 7 का वर्ग, ठीक ना। तो 24 का 24 में गुणा करिए तो 24 का वर्ग ज्ञात हो जाता है। तो 24 का वर्ग हो जाएगा 576 प्लस, ठीक ना, 576 और 7 का 49। अब इनको जोड़ लेते हैं, 9 6 15, 15 का 5 हासिल 1, 7 4 11 1 12 और 5 1 6। इस प्रकार AC स्क्वायर बराबर 625। तो AC का मान कितना आ जाएगा, कर्णी में 625। तो AC बराबर 625 का 25 वर्गमूल प्राप्त होता है, ठीक ना। तो इस प्रकार ये 25 निकाल लिया। तो देखिए ये कर्ण आपको कितना प्राप्त हो गया, 25 हो गया, ठीक ना। अब देखिए क्या ज्ञात करना है उसको देखते हैं। लिखा है साइन ए कॉस ए निकालना है, ठीक ना। तो पहले प्रश्न में है साइन ए और कॉस ए, ठीक ना। तो पहले साइन ए कॉस ए देखते हैं। तो देखिए साइन ए ज्ञात करते हैं, तो साइन ए कितना होता है, साइन का मतलब होता है ये लंब बटे कर्ण होता है, ठीक ना, लंब बटे कर्ण। तो ये लंब है और ये कर्ण है। तो इस प्रकार देखिए साइन ए पर है तो ये हो गया लंब कितना है 7 और कर्ण कितना है 25। तो इस प्रकार ये 7/25 ज्ञात हो गया। फिर कॉस ए ज्ञात करना है, देखिए कॉस ए होता है, कॉस का होता है आधार बटे कर्ण, ठीक ना। तो ये हो गया आधार 24 है और कर्ण कितना है 25, ठीक ना। अब प्रश्न नंबर दूसरा भाग देखते हैं इसी का। तो देखिए दूसरा भाग में लिखा है साइन सी कॉस सी, तो देखिए साइन सी और कॉस सी, ठीक ना। तो साइन सी मान निकालते हैं, देखिए साइन का मतलब ये इसका होता है लंब बटे कर्ण, ठीक ना। तो लंब कितना है, अब देखिए ये कोण सी पर ज्ञात करना है, ठीक ना। ये कोण ये ए एंगल पर था, तो ये ए एंगल पर था। देखिए जिस एंगल पर निकालना होता है, ठीक ना। तो ये जैसे 90 डिग्री के सामने वाले को कर्ण बोलते हैं और हमको यहाँ पर ए कोण का निकालना था, तो ए कोण ये रहा। तो इस कोण के सामने वाली भुजा को ही लंब कहते हैं और जो भुजा बच गई उसको आधार बोलते हैं, ठीक ना। अब देखिए कोण सी पे ज्ञात करना है, तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, अब ये रहा कोण सी ये वाला, ठीक ना। तो ये कोण सी अब अपने को इस कोण पे मान ज्ञात करना है। देखिए कोण सी के सामने वाली भुजा अब ये लंब का काम करेगी, ठीक ना, अब ये लंब हो जाएगी, ठीक ना। ये आधार नहीं है, अब ये लंब, क्योंकि हमको कोण सी पर ज्ञात करना है। तो जो भी कोण ज्ञात करना होता है उसके सामने वाली भुजा ही लंब होती है, ठीक, और जो ये बच गई उसको आधार बोलेंगे, ठीक ना। तो अब इस हिसाब से साइन में लंब बटे कर्ण, तो ये लंब ये हो जाएगा और कर्ण ये हो जाएगा। तो यहां लिखते हैं 24/25। फिर अब कॉस सी निकालते हैं, तो कॉस सी बराबर कितना होता है, तो देखिए कॉस ये सी वाला कोण इसके हमने ये लंब और ये आधार और ये कर्ण, ठीक ना, कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो कॉस का हो जाएगा आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना इसमें, आधार हो गया 7/ कर्ण कितना है 25, ठीक ना। तो देखिए एक बार फिर से इसको देख लेते हैं।
देखिए ये सबसे पहले हमने समकोण त्रिभुज से जब दो भुजा दिया हुआ था 7 और 24 सेंटीमीटर दिया हुआ था, ठीक ना, इसको पहले मिटा लेते हैं फिर देखते हैं, ये रहा ये, ठीक ना। तो समकोण त्रिभुज में सबसे पहले तो बोला बी समकोण पर होना चाहिए, सो हमने बी को समकोण पर लगा लिया। फिर इसके अलावा अब आप चाहे यहाँ ए और चाहे यहाँ सी लिख सकते हैं, ठीक ना। तो हमने यहाँ ए से शुरू किया है, आप चाहे तो इसको सी यहाँ भी लिख सकते हैं, सी बी ए भी लिख सकते हैं, ठीक ना। तो हमने लिखा है ए बी सी लिखा है। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय से ए सी का स्क्वायर है ना, ये है कर्ण, ठीक ना। तो कर्ण का वर्ग और लंब का और आधार का वर्ग के योगफल के बराबर होता है। तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर और इसका स्क्वायर किया। फिर देखिए ए बी का मान कितना है 24, तो 24 रख दिया। बी सी कितना है 7, तो 7 रख दिया। 24 का वर्ग करिए, 24 का वर्ग का मतलब होता है आप 24 को 24 से गुणा कर लीजिए, ठीक ना। या तो आप अगर 1 से 30 तक का वर्ग याद कर लीजिए, ठीक ना, और 1 से लेकर 10 तक का घन याद करिए, ठीक ना। इससे आपका गणित का कैलकुलेशन स्पीड से हो जाएगा, ठीक ना। अगर आप 24 का वर्ग याद किए होते तो 576 यहाँ लिख सकते थे, अगर याद नहीं है आपको थोड़ा सा इसमें गुणा करने में समय लग जाएगा। तो देखिए गुणा भी करके देख लेते हैं, 4 चौक 16, 4 दुनी 8 1 9, 4 दुनी 8 2 दुनी 4, 8 दुनी 16 17, और ये हो गया 5, तो 576 आ गया देखिए, ठीक ना। तो और 7 का मतलब 7 का वर्ग 7 सते 49, इन दोनों को अगर जोड़ देंगे तो 625 आ गया। ये वर्ग जब इस पर आता है तो ये वर्गमूल बनकर आता है। इस प्रकार 625 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो देखिए अगर आपको 24 का वर्ग, अब इसी प्रकार अगर आप 20 30 तक का वर्ग याद करते तो 625 आपको ये 25 का वर्ग प्राप्त हो जाता, ठीक ना। ये देखिए 25 को अगर दो बार गुणा करेंगे तो 625 प्राप्त हो जाएगा, ठीक ना। और अगर ये नहीं आता तो इसका गुणनखंड करके देख लेते हैं, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर 625 का गुणनखंड कर लेते हैं, देखिए ये रहा 625, तो 5 से लेके जाते हैं तो 5 एकम 5, 5 दुनी 10, 5 पचे 25, 5 दुनी 10, 5 पचे 25, 5 पचे 25, 5 एकम 5। तो इस प्रकार इस 625 को हम यहाँ लिख सकते थे, 5 को 4 बार लिख सकते थे, 1 2 3 और 4। तो इसका एक जोड़ा देखिए बनेगा तो ये आ जाएगा, ये जोड़ा बनेगा तो ये 5 आ जाएगा, और इसका एक जोड़ा बनेगा वर्गमूल है तो वर्गमूल में हमेशा दो दो का जोड़ा बनता है तो ये 5। इस प्रकार ये 5 पचे 25 प्राप्त हुआ है, ठीक ना। तो ये रहा तीसरी भुजा। इस त्रिकोणमिति के परिचय का इस पाठ के अंतर्गत आपको हमेशा दो भुजा कोई भी दिए रहेगा, चाहे ये दिया हो ये तो ये ज्ञात करना होगा आपको, या तो ये और ये दिया तो ये ज्ञात करना होगा। मतलब इसमें कोई दो भुजा दिया रहता है तो आपको एक तीसरी भुजा, सबसे पहले काम तो ये करना है कि तीसरी भुजा ज्ञात करना है, और तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, ठीक ना। तो पाइथागोरस प्रमेय से हमने तीसरी भुजा ज्ञात कर लिया। अब हमको पहले प्रश्न के पहले भाग में लिखा है साइन ए और कॉस ए ज्ञात करना है, ठीक ना। तो साइन ए का देखिए ये अनुपात ही होता है लंब बटे कर्ण, ठीक ना। अभी मैं इसका सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का अनुपात बता देता हूँ, ठीक ना। तो देखिए साइन ए का होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब का देखिए ये है कोण ए, ठीक ना। तो कोण ए ये रहा, तो अगर कोण ए यहाँ है तो जस्ट इस कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहेंगे, ठीक ना, और इस 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण बोलते हैं, ठीक ना। तो लंब हो गया कर्ण हो गया तो ये आधार हो गया, ठीक ना। इस हिसाब से अब हम इस लंब का क्या है 7 और कर्ण कितना है 25, तो हमने ये लिख लिया 7 बटे 25। कॉस ए, अब देखिए कॉस ए आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार इसमें 24 और कर्ण 25, तो ये हो गया 24 बटे 25। अब सेकेंड भाग में लिखना था, ज्ञात करना है साइन सी और कॉस सी। तो साइन सी का क्या, देखिए साइन तो जो अनुपात है लंब बटे कर्ण तो रहेगा ही, मगर देखिए अब कोण अलग हो गया, साइन सी हो गया। तो सी के लिए देखिए अब ऊपर सी लिखा है हमारा,
देखिए ये सी है, तो अब इस हिसाब से ये सामने वाली भुजा अब ये लंब का काम करेगी, ठीक ना। अब ये लंब हो गया और ये जो बचा ये आधार हो गया, ठीक ना। और कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होता, बस इसी कोण के आधार पर भुजाओं का नाम अलग हो जाता है। अब देखिए साइन सी हो गया लंब बटे कर्ण, तो अब हमारा ये लंब हो गया, तो 24 बटे कर्ण 25, तो 24 बटे 25 लिख लिया। फिर कॉस सी लिखा है आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना हुआ, देखिए ये आधार हो गया अब, ठीक ना, तो 7 बटे 25 लिखा, ठीक ना। तो ये प्रश्न नंबर एक हो गया। अब प्रश्न नंबर दो देखते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर दो देखते हैं, तो प्रश्न नंबर दो में लिखा है, देखिए प्रश्न नंबर दो में एक आकृति बनी हुई है, तो आकृति को बना लेते हैं। लिखा है पी क्यू आर, और इसमें है ये 13 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर, और ये ज्ञात करना है। तो इसमें और क्या दिया है, लिखा है 10 पी माइनस कॉट आर, ठीक ना, इसको ज्ञात करना है, का मान ज्ञात करना है, ठीक है, ज्ञात करते हैं। 10 पी माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले इसमें दो भुजाओं का मान दिया हुआ है, तीसरी भुजा हमको ज्ञात करना है, तो इसके लिए लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे इसमें, तो लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो इसमें लिख सकते हैं पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर बराबर पी आर का स्क्वायर। देखिए ये कर्ण है, तो कर्ण का भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर लिख लिया। अब जिसका मान दिया उसको रख लेते हैं, तो पी क्यू दिया है 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, इसको नहीं दिया है, इसको ज्ञात करना है। पी आर दिया है 13, तो 13 का वर्ग हो गया, 12 का वर्ग 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर बराबर 13 को, मतलब 13 का वर्ग है, मतलब 13 को 13 से गुणा करिए, या 13 का वर्ग याद है तो लिखिए 169 होता है। फिर क्यू आर का स्क्वायर बराबर 169, इसको हम पक्षांतर करेंगे दाईं तरफ, तो माइनस 144 हो गया, तो क्यू आर का स्क्वायर बराबर, देखिए 9 में 5 4 गया 5, 6 में 4 गया 2, ठीक ना, 25 आया। तो क्यू आर बराबर, ये वर्ग है, इस पर जाएगा तो वर्गमूल बनेगा, तो 25, तो 25 का वर्गमूल कितना आता है, 5 आ गया। इस प्रकार हमारी तीसरी भुजा 5 आ गई, ठीक ना। अब देखिए 10p ज्ञात करना है, तो लिखते हैं 10p माइनस कॉट आर, ठीक ना। तो 10p देखिए इसमें लिख लेते हैं, देखिए ये रहा कोण P है, ठीक ना, तो इसमें देखिए कोण P है, तो ये कोण P हम ये ले रहे हैं, ठीक ना, तो इसके सामने वाली भुजा यहाँ ये लंब हो जाएगी, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक ना। जिस कोण को ले रहे हैं उसके सामने वाली भुजा लंब कहलाती है, और ये कर्ण तो रहता ही है, कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होता, और ये अब जो बच गया तो कर्ण हो गया, लंब हो गया, ये आधार कहलाती है, ठीक ना। तो इस हिसाब से 10p रखेंगे, तो 10 का क्या होता है, तो लिखेंगे लंब बटे आधार, ठीक ना, और इसका होता है कॉट का होता है इसका आधार, 10 का उल्टा होता है, तो लिखेंगे आधार बटे लंब हो गया, ठीक ना। तो अब इसे मान रख के देखते हैं, तो देखिए 10p, तो p के, अब देखिए इसमें लंब है, तो हमने बोला ये लंब 5 हुआ, तो यहां लिखेंगे 5 बटे आधार कितना है 12 माइनस, अब कॉट का देखते हैं, देखिए यहाँ r दिया हुआ है, ठीक ना, तो r दिया हुआ है, तो इसके लिए कोण कौन सा, ये r ये रहा, तो इसके लिए इसके सामने वाली भुजा ही, ये भुजा ये लंब कहलाएगी, ठीक ना। बस इस पूरे त्रिकोणमिति में पहले प्रश्नावली में इसी को समझना होता है कि जिस कोण को बोले उसके सामने वाली भुजा ही लंब कहलाएगी, तो ये लंब हो गया, तो ये आधार कहलाएगा,
ठीक ना। तो अब देखिए इसमें आधार कितना है, आधार देखिए 5 आ गया, लाल से लिखा गया, तो यहाँ लिख लेते हैं आधार कितना है 5 बटे लंब कितना है, अब देखिए लंब इसमें 12 है, ठीक ना। तो इस प्रकार ये 5 ये कट के बराबर 0 हो जाएगा, ठीक ना। तो इसका उत्तर 0 आया। अब देखिए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 में है, लिखा है साइन ए बराबर 3/4, ठीक ना। तो इसमें क्या ज्ञात करना है, कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना है, ठीक ना। साइन ए बराबर 3/4 दिया है और कॉस ए और टेन ए ज्ञात करना है। तो देखिए इसको ज्ञात करते हैं, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं पहले। तो समकोण त्रिभुज ये रहा, ठीक ना। अब देखिए इसमें जिस कोण को मान ज्ञात करना है, देखिए टेन ए है ना, ये देखिए साइन ए बराबर 3/4 दिया है, तो कोण ए अगर ए यहाँ है तो आप इसको ए यहाँ डालिए, ठीक ना, इससे सुविधा रहेगी। और बी और सी जिसको चाहे उसको रख सकते हैं, तो हमने बी और सी यहाँ लिख लिया, ठीक ना। इसको ध्यान रखिएगा, अगर टेन ए दिया है, साइन ए दिया है, तो ए यहाँ रखिए तो थोड़ा कैलकुलेशन में ईजी पड़ता है, ठीक ना। अब साइन का मान कितना होता है, साइन को क्या लिखते हैं, ये होता है लंब बटे कण, लंब बटे ये कण होता है, ठीक ना। इस हिसाब से देखिए ये तो समकोण है, तो इसके सामने वाला ये लंब ये कण हो गया, ठीक ना, ये आधार हो गया और इस कोण के लिए ये लंब हो गया, ठीक ना। तो कर्ण आधार और लंब हो गया। अब देखिए यहाँ 3 लंब कितना मान लिया, 3 है, तो लंब को 3 यहाँ डाल लेते हैं, तो ये रहा 3, और कर्ण कितना है, तो ये 4 हो गया, ठीक ना। अब इसमें हम तीसरी भुजा आधार ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो लिखते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो हम लिख सकते हैं ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर, है ना, इनका वर्ग बराबर इनके वर्ग। तो ए बी कितना है, आधार ज्ञात करना है, तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी कितना है, तो 3 का वर्ग बराबर ए सी है, तो 4 का वर्ग हो गया, ठीक ना। तो ए बी स्क्वायर बराबर 3 का वर्ग 9, 4 का 16, तो ये हो गया ए बी स्क्वायर बराबर 16-9, है ना, पक्षांतर कर दिया, तो ये हो गया ए बी का स्क्वायर बराबर, इसको घटाएंगे तो ये 7 आ जाएगा। तो ये हो गया ए बी बराबर कर्णी में ये 7 है ना, वर्ग है तो ये वर्गमूल बन जाएगा। इस प्रकार ए बी का भी मान ज्ञात हो गया, ठीक ना। अब हमको कॉस ए निकालना है, तो लिखते हैं कॉस ए बराबर, देखिए कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण। तो इस हिसाब से आधार देखिए अभी कितना ज्ञात हुआ, कर्णी 7, तो कर्णी 7 बटे और कर्ण कितना है 4, तो ये हो गया। अब टेन ए निकालना है, तो टेन ए बराबर, टेन का क्या होता है, लंब बटे आधार, है ना। तो लंब कितना है इसमें, तो लंब देखिए इसमें लिखा है 3 और आधार कर्णी 7 आया है, ठीक ना। तो लिखेंगे 3/7, तो इस प्रकार ये प्रश्न का हल हो गया। अब प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 4 में लिखा है 15 cot A, है ना, 15 cot A बराबर 8, है ना, इस प्रकार दिया हुआ है। और ज्ञात करना है साइन ए, लिखा है साइन ए और सेक ए ज्ञात करना है, ठीक ना, साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। 15 cot A बराबर 8 दिया हुआ है,
ठीक ना। तो इसको देखिए लिखते हैं, इसको आप लिख सकते हैं कॉट ए बराबर 8/15, 15 पक्षांतर हो गया, तो इस प्रकार कॉट ए का माना गया। ठीक, आप चाहे तो कॉट ए को 10 ए में भी बदल सकते हैं, तो कॉट का व्युत्क्रम 10 होता है ना, व्युत्क्रम रेसिप्रोकल 10 होता है। तो इसको देखिए ऐसे लिख सकते हैं, 10 को लिख सकते हैं एक, कॉट का लिख सकते हैं 1/10 ए, है ना। हमने बताया था, देखिए यहाँ लिखा है कॉट, यहाँ हमने बताया था 10 ए बराबर 1/cot A होता है ना। तो इस प्रकार cot A का मान कितना हो जाएगा, 1/10 A हो जाएगा, है ना। अदला बदली कर सकते हैं, तो देखिए cot A के स्थान पर हमने 1/10 A लिख लिया, तो ये हो गया 8/15। अब क्या दोनों को पलट देते हैं, तो इस प्रकार आया 10 A बराबर 15/8 हो गया, है ना। तो इस तरह cot है तो 10 में बदल सकते हैं। 10 का मान क्या होता है, अब देखिए क्या अनुपात होता है, तो इसको होता है लंब बटे आधार, ठीक ना। अगर ये ना करना हो तो आप cot का ही लिख सकते हैं यहाँ पर, आधार बटे लंब, ठीक ना। अगर 10 का लंब बटे आधार होता है तो cot का इसका व्युत्क्रम होता है, तो लिखेंगे आधार बटे लंब और समकोण त्रिभुज बना लेंगे। तो हमने इसमें बदल लिया है, आप चाहें तो इसी यहीं से कर सकते हैं। अब देखिए ये हो गया, ए में दिया है तो आप यहाँ ए लिखिए, यहाँ बी और यहाँ सी डालिए, ठीक ना। तो ये समकोण त्रिभुज बन गया, तो जो भी यहाँ कोण दिया रहता है इसको आप यहाँ डालिए तो थोड़ा सुविधा हो जाएगा, ठीक ना। अब ये हो गया कर्ण हो गया, ठीक ना, और ये हो गया लंब हो गया, और ये आधार हो गया, ठीक ना। तो इस हिसाब से अब देखिए 10 कितना लंब दिया है, 15, तो यहाँ हम 15 लिख लेते हैं, आधार 8 दिया हुआ है। तो अब कर्ण का मान ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का वर्ग मतलब ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, है ना। तो ए सी का मान ज्ञात कर लेंगे, तो ए बी कितना दिया है 8 का स्क्वायर और बी सी है 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 8 × 9 = 64, अब 15 का 15 × 15 2 × 2 = 5 हो जाता है। अब देखिए 5 × 4 = 9 + 6 = 2 = 8, ये 2 हो गया। तो ए सी का स्क्वायर आ गया, तो लिखेंगे ए सी बराबर वर्गमूल 289 हो गया, ठीक ना। तो ये होता है 17 का होता है, 17 को 2 बार गुणा करेंगे तो 17 × 17 तो 289 प्राप्त हो जाता है। अब हमको साइन ए ज्ञात करना है, तो साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब कितना है 15, कर्ण कितना है, तो कर्ण अभी हमने ज्ञात किया 17, है ना। तो ये हो गया 17। फिर sec एक बराबर, देखिए sec होता है cos का उल्टा, है ना। तो sec होता है cos का उल्टा और cos होता है आधार बटे कर्ण होता है, ठीक ना। cos का मान आधार बटे कर्ण होता है, तो sec चूंकि cos का उल्टा होता है तो यहाँ लिखेंगे कर्ण बटे आधार, है ना। उसका व्युत्क्रम हुआ ये, तो कर्ण कितना है 17 बटे आधार कितना है 8। तो इस प्रकार ये प्रश्न नंबर 4 का आंसर हो गया। अब प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 5 में लिखा है sec थीटा बराबर 13/12, है ना। sec थीटा बराबर 13/12 दिया है, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। तो sec का लिख लेते हैं, देखिए sec हो तो ये cos का व्युत्क्रम होता है, तो इस प्रकार लिख सकते हैं cos थीटा बराबर 12/13, है ना। sec का cos तो इसी को उलट देते हैं, तो 13/12 है तो 12/13 हो गया, और cos का क्या होता है आधार बटे कर्ण,
ठीक ना। तो अब पाइथागोरस पर मैं एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, ये समकोण त्रिभुज हो गया। अब देखिए इसमें थीटा लिखा हुआ है, ठीक ना, तो थीटा लिखा है तो इसमें ए बी सी कहीं से भी नामकरण करिए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ हम ए बी सी डाल दिए और थीटा हम इसको यहाँ अंदर लिख लेते हैं, ठीक ना। अब लिखा देखिए कॉस, देखिए आधार है तो ये 12 हो गया और ये कर्ण है तो ये 13 हो गया, ठीक ना। इस प्रकार हमको यहाँ लंब ज्ञात करना होगा। तो इसमें लिखते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो इसमें होता है देखिए ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर, है ना। तो देखिए ए सी कर्ण का मान दे रखा है इसलिए हमने बराबर ए सी का स्क्वायर लिखा, ठीक ना। ए बी का मान कितना दिया है, 12 का स्क्वायर दिया है, प्लस बी सी ज्ञात करना है हमको, बराबर ए सी कितना दिया है, 13 का स्क्वायर। तो 12 का 144, बी सी स्क्वायर बराबर 13 का 169, 169। फिर लिखिए बी सी बराबर, बी सी स्क्वायर बराबर 169 में से 144 घटा देंगे, ये हो गया 5, ये 25 आ गया। तो इस प्रकार बी सी हो गया कर्णी में 25, है ना। 25 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो 25 का वर्गमूल 5 प्राप्त होता है, तो ये 5 हो गया। तो इस प्रकार ये हमको 5 प्राप्त हो गया। बोलता है सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, तो देखिए सेक का था तो कॉस निकाल लिया है, तो 2 तो ज्ञात हो ही गया है, अब हम साइन का निकालते हैं। तो साइन ए बराबर, अब देखिए ये होता है लंब बटे कर्ण होता है, ठीक ना। तो लंब कितना है, ये 5 है और कर्ण कितना है, 13। और इसी प्रकार आगे कौशिक का निकाल लेते हैं, कौशिक ए, तो साइन का 5/13 है, इसका 13/5 हो जाएगा, ठीक ना। फिर टेन ए निकालते हैं, टेन ए होता है लंब बटे आधार, तो लंब कितना है इसका, 5 और आधार 12। अब टेन का व्युत्क्रम कॉट होता है या उल्टा कहिए, तो कॉट ए, अच्छा थीटा में दिया हुआ है ना, तो थीटा लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक ना, जिसमें दिया हो थीटा लिखिए, यहाँ यहाँ थीटा लिखिए, यहाँ थीटा लिखिए, यहाँ थीटा, तो ये हो जाएगा 12/5 हो गया, ठीक ना। तो इस प्रकार हो गया, आप एक कॉस यहाँ लिखा है, इसका मान हम यहीं लिख लेते हैं क्योंकि हमको ये चाहिए था, तो कॉस थीटा बराबर 12/13, ठीक ना। इस प्रकार ये सभी हो गया, या तो यहाँ पे आधार बटे कर्ण लिख लेते हैं, जब सबका लिखा है तो यहाँ पे लिख लेते हैं, ये होता है आधार बटे कर्ण, इस प्रकार ये 12/13 हो गया। तो देखिए एक अनुपात दिया हुआ था, बाकी 5 अनुपात हमने यहाँ ज्ञात कर लिया। तो इस प्रकार ये प्रश्न नंबर 5 हल हो गया।